नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को नया आयाम दे रहा है, तेजस MK-1A। यह एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इस वीडियो में हम तेजस MK-1A की खूबियों, इसकी तकनीकी विशेषताओं और इसके रणनीतिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आसमान में भारत के अपने सुपरहीरो से मिलने के लिए तैयार हो तेजस MK-1A फाइटर जेट, जो कि MK-1 जेट के एडवांस्ड वर्जन है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये हमारी वायुसेना के लिए एक नया सुपर अपग्रेड जेट है। तेजस को आने में लंबा समय लगा है। 80 के दशक में भारत ने अपने खुद के लड़ाकू विमान बनाने का सपना देखा था, जो पुराने विमानों जैसे MiG-21 को बदल सके। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन पहला तेजस 2001 में उड़ा। अब MK-1A उस सपने को और भी आगे ले जा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि तेजस MK-1A डिफरेंट और स्पेशल कैसे है। पहला है उत्तम AESA रडार। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है, जिससे विमान को अपने आसपास के क्षेत्र का 360 डिग्री स्कैन किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बाद के वेरिएंट जैसे तेजस MK-2 और ट्विन इंजन डेकबेस्ट फाइटर्स TEDBF में किया जाएगा। एक ऐसे रडार की कल्पना करें जो एक सुपर पावर ईगल आंख की तरह काम करता है, जो एक ही बार में पूरे आसमान को स्कैन करता है। यह कई दुश्मनों का पता लगा सकता है, यहाँ तक कि छोटे दुश्मनों का भी, दृश्य सीमा से बहुत दूर। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट। नए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट में रडार वार्निंग रिसीवर RWR सिस्टम और एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर SPJ पॉड शामिल है, जिसे MK-1A में लगाया गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य विमान को ग्राउंड बेस्ड एक्विजिशन रडार, फायर कंट्रोल रडार, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी और एयरबोर्न मल्टीमोड रडार से बचाना है। यह जेट के लिए एक ढाल की तरह है। यह पता लगा सकता है कि दुश्मन रडार से इसे लॉक कर रहे हैं और उन्हें भ्रमित करने के लिए जवाबी उपाय कर सकते हैं। तीसरा है फ्लाई बाय वायर। यह प्रणाली पुराने जमाने के मैनुअल नियंत्रणों को कंप्यूटर से बदल देती है, जिससे तेजस सुपर एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव हो जाता है। यह एक वीडियो गेम कंट्रोलर की तरह है, लेकिन एक रियल फाइटर जेट के लिए। चौथा है वेपनरी। MK-1A के अंडरबेली पर लगभग 9 हार्ड पॉइंट होंगे, जिससे यह विभिन्न प्रकार के हथियार ले जा सकेगा, जैसे बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल, एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल और एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल SRAM। तो ये थी MK-1A में की गई कुछ इम्प्रूवमेंट्स। ऐसे ही टोटल 40 इम्प्रूवमेंट्स की गई है। तेजस अपनी श्रेणी का सबसे छोटा और सबसे हल्का एयरक्राफ्ट है, और इसके डायमेंशंस एंड एक्सटेंसिव संरचना का व्यापक उपयोग इसे हल्का बनाता है। 4.5 जनरेशन के इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जमीनी हमले, इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैट और एयर डिफेंस जैसी कई भूमिकाओं के लिए किया जा सकता है। वायुसेना की योजना पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान के बीकानेर जिले में नालहर बेस पर इंडिजिनस LCA Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन की पहली स्क्वाड्रन स्थापित करने की है। तेजस पहले से तैनात 2 MiG-1 स्क्वाड्रन में से एक की जगह लेगा। तेजस MK-1, MK-1A और MK-2 वेरिएंट्स भविष्य में भारतीय वायुसेना के MiG-1, MiG-9 और SAPECAT जगुआर की जगह ले लेगा। यह सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भरता के बारे में है। MK-1A का 50% से अधिक इंडियन कंपोनेंट्स के साथ बनाया गया है। यह हमारे अपने रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है और दुनिया नोटिस कर रही है। अर्जेंटीना, इजिप्ट और फिलीपींस जैसे देश हमारे तेजस जेट खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तेजस MK-1A सिर्फ एक फाइटर जेट से बढ़कर है। यह भारत की बढ़ती स्ट्रेंथ एंड इनोवेशन का प्रतीक है। यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।